Hello friends, welcome to data study changing way of learning. आज 26 सितंबर आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. आज आपको कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो पूरे वीडियो को अंत जो है पूरे वीडियो को देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है. तो हाल ही में किस प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा की गई है. तो पहला ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगला जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी. तो हाल ही में किस प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा की गई, तो इसका आंसर होगा हाल ही भारत सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत की. यानी कि भारत की जो है एकता और अखंडता में अपने जो है बहुत योगदान देने वाले उस पुरुष को नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो इसमें पूछा था कि जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी. ये देखिए इसके नाम पर कुछ ऐसा जो है, तो भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया. गृह मंत्रालय द्वारा यह सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने के जो है जारी की गई है. ये पुरस्कार कुछ ऐसा होगा आ सामने से सरदार पटेल, उस पर जो है इनकी मूर्ति या इनके चित्र बना होगा और राष्ट्रीय एकता पुरस्कार लिखा होगा, और पीछे से बात की जाए तो कुछ ऐसा होगा. तो आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है. हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक पोत 12 का जलावतरण किया है. तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं. पहला है प्रकाश जावड़ेकर, अगला राजनाथ सिंह, अगला नरेंद्र मोदी, और अगला इनमें से कोई नहीं. तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत 12 का जलावतरण भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जो है किया है. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए लोकसभा क्षेत्र की तो लखनऊ है. लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे जो है गोमती रिवर फ्रंट एक परियोजना चली थी, तो गोमती के किनारे लखनऊ शहर बसा है. लखनऊ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी, और राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल. आनंदीबेन जो है राज्यपाल यहाँ उत्तर प्रदेश की है. उत्तर प्रदेश की बात की जाए और उसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उत्तर प्रदेश को ही, और उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व, ये सभी, और नरोरा एटमिक पावर स्टेशन बुलंदशहर में है. और बात की जाए आगे और जो है इसके बारे में, तो उत्तर प्रदेश में ही जो है रेल इंजन बनाने कारखाना वाराणसी. और बात की जाए अगर, तो यहाँ पर व्हील बनाने का भी कारखाना है जो रायबरेली में है, यानी जो रेल के पहिया हैं उनके बनाने कारखाना भी रायबरेली में है. और इसकी बात की जाए अगर, तो इसमें यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र आपके 80 और विधानसभा 403, राज्यसभा 101. तो इस प्रकार इसका है. आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है. तो हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक पोत 12 का जलावतरण किया है.
चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत 12 का परीक्षण जो है इसका तो ये हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य साझा कर प्राप्त करने के लिए तटीय सुरक्षा में जुटी सभी एजेंसियों और हितधारकों के बीच सक्रिय संबंध स्थापित करने का आह्वान किया है और इसी के लिए चेन्नई में उन्होंने जो है भारतीय तटरक्षक पोत 12 का जलावतरण किया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार देने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। तो जल मिशन जो है पुरस्कार देने की घोषणा गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। यह जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, यह जल मंत्रालय के द्वारा जल मंत्रालय गंगा नदी मंत्रालय उसके मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी लोकसभा क्षेत्र वाराणसी। पीयूष गोयल की बात की जाए तो पीयूष गोयल कोयला मंत्री, रेल कोयला, और कोयला मंत्री कन्फर्म आप कर लेना, देखना कोयला मंत्री है या नहीं, इसको क्लियर कर लेना। तो रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री तो ये पीयूष गोयल हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो महाराष्ट्र से सांसद हैं। स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी जो है WCD मिनिस्टर, वर्ल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और ये स्मृति ईरानी की बात कीजिए तो ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद, अमेठी से। इसके बाद हम देखते हैं तो राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार 2019 जो है इसकी शुरुआत श्री शेखावत ने कहा कि जल सुरक्षा के साथ साथ जल संरक्षण उसका विवेकपूर्ण और बहुविध उपयोग देश में चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के लिए उन्होंने जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल सुरक्षा के साथ साथ जल संरक्षण जल का विवेकपूर्ण और बहुविध उपयोग देश में जल चुनौती से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के लिए राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत चीन वित्तीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। तो इसके बारे में देखते हैं तो नवा भारत चीन वित्तीय संवाद का समापन संयुक्त वक्तव्य वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के साझा विजन दर्शाता है। तो यह भारत चीन वित्तीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चीन के वित्त मंत्री में उप मंत्री श्री जोउ जियाऊ, उनका नाम है जोउ जियाऊ, ये यहाँ पर दिया है जोउ जियाऊ, चीन के वित्त उप मंत्री। अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन आपको दिए गए, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण। तो ग्लोबल गोलकीपर की अगर बात की जाए तो इसके बाद देखते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 24 सितंबर 2019 को ग्लोबल गोलकीपर से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देख लेते हैं कुछ, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, पीयूष गोयल के बारे में बात कर चुके हैं और निर्मला सीतारमण के बारे में भी। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस या फेम
फाइनेंस मिनिस्टर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, भारत जल सप्ताह 2019 की विषय क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत जल सप्ताह 2019 के मिशन क्या है, सॉरी विषय क्या है। तो इसका आंसर के बारे में बात की जाए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वाटर कंजर्वेशन फॉर बेटर फ्यूचर, वाटर कैंपिंग विथ 21st century, मिशन वाटर फॉर एवरी होम, सेव वाटर एरा ऑफ कंजर्वेशन। तो इसका आंसर होगा वाटर, सॉरी इसका सेकंड आंसर सही होगा, ये वाला सेकंड आंसर, वाटर कैंपिंग विथ 21st century। इसके बारे में देख लेते हैं, ये देखिए, तो इसके उद्घाटन जो है राष्ट्रपति ने 6th भारत जल सप्ताह 2019 का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज 24 सितंबर को नई दिल्ली में इसके उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, 6th भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया। इसका मतलब मकसद है कि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और जो है जल का कम से कम प्रयोग कर इसको जो है जरूरतों समान जरूरतों को पूरा किया सके और इसका संरक्षण किया सके। इसका विषय है जल सहयोग 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटना। इसका विषय है 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटना, इसी के लिए इसमें देखो दिया है वाटर कैंपिंग विथ 21st century। अगला है यह, इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग की ओर से किया गया। अगला क्वेश्चन है 2019 रामानुज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसके जो है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एडमंड हार्पर, डेविड केले, रिमांड एम्बर्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी इसका क्वेश्चन आपको देना है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर तो 2019 का रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन तो इसका आपको आंसर हमें देना है। तो आज के बस करंट अफेयर्स यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। और आप अधिक से अधिक लोगों को जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कराइए और सहयोग करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।